हल्द्वानी में नगर निगम यूजर चार्ज न देने वालों के खिलाफ आरसी काटने की कार्रवाई में जुट गया है। बता दें कि पिछले 2 महीने में नगर निगम ने 100 से अधिक ऐसे दुकान मालिकों या भवन स्वामियों की आरसी काटी है जिन्होंने 2 साल से अधिक से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज नहीं दिया है। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा का कहना है कि शहर की सफाई के लिए डोर टू डोर कूड़ा उठाए जाने की व्यवस्था की गई है, उसके लिए यूजर चार्ज भी लगाया गया है। उसके बावजूद कई लोग यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं, लिहाजा अब ऐसे प्रतिष्ठान जो लंबे समय से यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ आरसी काटने का अभियान चलाया जा रहा है और अब तक दर्जनों प्रतिष्ठानों की आरसी काट दी गई है। इसके साथ ही उनमें से कई लोगों ने शुल्क भी जमा कर दिया है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। यूजर चार्ज को लेकर के दो तरीके की कार्रवाइयां की जा रही हैं। एक तरफ तो हमारी बहनी सेना बहुत डेडिकेशन से काम कर रही है, घर घर जाकर के लोगों को स्वच्छता के बारे में भी जागरूक कर रही है और यूजर चार्ज भी ले रही है। और यदि कोई भी इस तरीके के संस्थान या इंडिविजुअल हैं जो यूजर चार्ज नहीं दे रहे हैं तो उसकी रेवेन्यू रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं और इसका अच्छा परिणाम मिल रहा है देखने को कि लोग इसके बाद यूजर चार्ज जमा भी कर रहे हैं।